हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रुपेश। यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ कल ही जारी हुआ है, आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ दिनांक 3 फरवरी 2022 को और यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए विषय में लिखा है शीघ्र लेखक डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टेनोटाइपिस्ट एवं सहायक ग्रेड 3 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता का पुनर्निर्धारण किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या क्या बदलाव किया गया है, पूरी जानकारी लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी के लिए। बिना देरी किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो को आपको सब्सक्राइब करते हो तो बगल में जो नोटिफिकेशन की घंटी होता है उसे ऑल पर सेट कर दीजिए, जैसे ही मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके सामने आ जाएगा। जो शैक्षणिक योग्यता में पहले से जो निर्धारित की गई थी उनका फिर से पुनर्निर्धारण किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं शीघ्र लेखक डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टेनोटाइपिस्ट एवं सहायक ग्रेड 3 के पद पर नियुक्ति के हेतु शैक्षणिक योग्यता को पुनर्निर्धारण किया गया है। संदर्भ में बताया गया कि इस विभाग का जो समस्त संख्या परिपत्र दिनांक यहाँ पर 1 फरवरी 2013 को शासन के समस्त विभाग या कार्यालय में शीघ्र लेखक डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टेनोटाइपिस्ट और सहायक ग्रेड 3 के जो सीधी भर्ती के पद पर जो नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता का पुनर्निर्धारण के संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया है 1 फरवरी 2013 के, जो पृष्ठ क्रमांक 2 में आंशिक संशोधन करते हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर के स्टेनोटाइपिस्ट एवं सहायक ग्रेड 3 के शैक्षणिक योग्यता का जो शैक्षणिक योग्यता जोड़ा गया है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टेनोटाइपिस्ट और सहायक ग्रेड 3 के जो यहाँ पर पद का जो विभाग दिया गया है इसके बारे में, और बहुत ही जल्द आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो पिछली संयुक्त भर्ती हुई थी उसको 2016 में जो निकाली गई थी, आपको 2016 का जो नोटिफिकेशन आया था उसको दिखा देता हूँ, आपको फिर से यकीन हो जाएगा कि इतने पदों पर वैकेंसी आई थी। जब 2016 में इतनी वैकेंसी आ सकती है तो 2022 में भी आ सकती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसा आप 2016 का जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आया है उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तो आप ही सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसे मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन जो परीक्षक परिषद से, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो हिंदी एवं अंग्रेजी का मुद्रा लेखन की जो गति है वो 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की है, इसके संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी, इसका प्रमाण पत्र आवश्यक है। उसी प्रकार स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी यहाँ पर अंग्रेजी मुद्रण में 5000 की का प्रति घंटा यहाँ पर गति मांगा गया है, यह कौशल परीक्षा से भी ली जाएगी और इसका प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, यह बोला गया है। उसी प्रकार सहायक ग्रेड 3 के लिए भी मांगा गया है यहाँ पर 5000 की प्रति घंटा होगा। इसी तरह से यहाँ पर संशोधित किया गया। आई होप कि यह आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ पर डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो में जानकारी बताई गई है और यह आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा तो एक लाइक साथ ही साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। आज शाम पाँच बजे एक न्यू बैच प्रारंभ होने जा रहा है इसी चैनल पर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।